नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Zomato एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि Zomato एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट करें, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, अपने फ़ोन में Zomato एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइस, जैसे Zomato एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गाइस सबसे पहले करना क्या होगा, ऊपर की साइड में जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल वाला आइकॉन है इसके ऊपर एक बार फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक तो यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देख तो यहाँ पर आपका जो कवर पिक्चर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो भी कवर पिक्चर चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी फोटो कोई भी गैलरी से लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। उसके बाद नीचे के साइड में देख तो यहाँ पर प्रोफाइल फोटो वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो। देख तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से जो भी अपनी प्रोफाइल फोटो आप सेट करना चाहते हो वो सिंपली गाइस यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हो। फोटो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। और गाइस, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद देख तो फोटो यहाँ पर आ चुकी है। अब गाइस यहाँ पर आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और गाइस, डन पे क्लिक करने के बाद ये फोटो हमारी प्रोफाइल फोटो के अंदर सेट हो जाएगी। देख तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल फोटो उसके अंदर ये वाली फोटो सेट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ से गाइस आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने नाम को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख तो नीचे के साइड में आपका मोबाइल नंबर है। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे की साइड में देख तो ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका सिटी का नेम है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अगर कुछ आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रोफाइल एडिट होगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप Zomato एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।